जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसा एक उपाय बताने वाला हूं कि जिससे आपके पास में हमेशा पैसा बना रहेगा। दोस्तों, कई छोटे छोटे और सरल ऐसे नुस्खे होते हैं कि जिससे व्यक्ति अपने जीवन की हर इच्छाओं को पूरी कर सकता है। ऐसा ही एक छोटा सा और सरल आज मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ। इस उपाय के बारे में माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, फिर उसके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। तो यदि आप पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, पैसा नहीं है, तो आप ये उपाय करें। इस उपाय के करने से आपके पास में हमेशा पैसा बना रहेगा और कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे और तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, आज मैं जो उपाय बताने वाला हूँ वो बहुत ही सरल है, कोई भी व्यक्ति उसको बड़े ही आसानी से कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की पूजा पाठ की या कोई दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें कोई स्पेशल समय निकाल करके नहीं देना है। कई ऐसे छोटे छोटे नुस्खे बताए गए हैं हमारे तंत्र शास्त्र में कि जिसको व्यक्ति यदि करता है, ऐसे नुस्खों को यदि व्यक्ति आजमाता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो यदि आप पैसों के लिए परेशान हैं, पैसों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और फिर भी यदि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय में आपका कोई ना धन लगता है, ना तंत्र, ना मंत्र, ना कोई आपका स्पेशल समय जाता है। इस उपाय को सिर्फ आप श्रद्धा के साथ एक बार कर लें और जब तक ये चीज़ आपके पास में रहेगी तब तक कभी भी आपके घर से पैसा खत्म नहीं होगा, हमेशा आपके पास में पैसा बना रहेगा। और इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। दिन का कोई भी बाध्य नहीं है कि किस दिन आपको इस उपाय को करना, लेकिन जब भी आप इस उपाय को करें तो स्वच्छता के साथ करें, पहला। और दूसरा, इस उपाय को आप सोने जाने के पहले आपको करना है। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उसके पहले आपको ये उपाय को करना है। और जब आप ये उपाय कर रहे हैं तो उस समय आपको ये ध्यान धरना है कि आपको पैसों की काफ़ी आवश्यकता है। ये आपको खास ध्यान धरना है। और आपको इसमें चाहिए क्या? इसमें आपको एक लाल रेशमी धागा चाहिए। लाल रेशमी धागा आप ले लें, लंबाई कितनी भी हो, ध्यान इतना रखें कि उसमें 11 गांठें लग जाएं। इस तरह का एक रेशमी धागा आपको लेना है, लाल रंग का। अब जब आप उसमें गांठें लगाते हैं तो हर गांठ को लगाते समय आपको बोलना है ओम श्रीम नमः। ये बोल करके आपको उसमें गांठ लगा देनी है। जब दूसरी गांठ लगाते हैं तो दोबारा से ओम श्रीम नमः। हर बार जितनी गांठें आप लगाते हैं, हर बार आपको यही मंत्र बोलना है ओम श्रीम नमः। और ध्यान धरना है कि माता लक्ष्मी आपके घर में बंद जाएगी। जैसे आप गांठें बांध रहे हैं इसी तरीके से माता लक्ष्मी भी आपके घर में बंद जाएंगी, कभी भी आपका साथ छोड़ करके नहीं जाएंगी। अब कभी भी आपके घर में से पैसों की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके पास में धन बना रहेगा। इस चीज़ की कामना करनी है। बड़े ही आराम से उपाय को करें, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लें, लाल आसन बिछा लें और ये जो आप धागा बना रहे हैं ये धागा ज़मीन में टच ना हो, इसका खास ध्यान रखें। जब आप इस धागे को बना रहे हैं तो ये धागा ज़मीन पर छूना नहीं चाहिए। कोई पात्र अपने सामने ले लें, उसमें इस धागे को रखें, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लें, लाल आसन बिछा करके आपको बैठना है। और जैसा कि मैंने कहा, आपको ये ध्यान धरना है कि जैसे आप इसमें गांठें बांध रहे हैं ऐसे ही माता लक्ष्मी आपके घर में बंध जाएंगी, आ जाएंगी, रुक जाएंगी, आपके पास फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ये भाव को अपने अंदर आने दें। दोस्तों, जो संपूर्ण संसार है वो भाव से ही चल रहा है, तो इस भाव को अपने अंदर प्रबल होने दें और हर एक गांठ के साथ बोलें ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इस तरह से इस धागे में आप 11 गांठें लगाएं और 11 दफ़े इस मंत्र को बोलें। इसके बाद
आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसमें अंदर की तरफ बीचों बीच में ऊपर आप इस धागे को बांध दें, किसी केल की मदद से किसी भी चीज़ में आप इसको बांध दें। और जब आप बांध रहे हैं तब आपको गांठ एक ही लगानी है, लेकिन तब भी आपको 11 दफ़े यह मंत्र बोलना है, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र को आपको 11 दफ़े बोलना है। पूरा उपाय फिर से बता देता हूँ। लाल आसन में आपको विराजित होना है, पूर्व की दिशा की तरफ मुख रखना है, लाल धागा लेना है, रेशमी धागा लेना है, 11 गांठें लगानी है। हर गांठ में आपको ओम श्रीम नमः इस मंत्र को बोलना है। धागा जमीन में टच होना नहीं चाहिए और धागे को आपका जो घर का मुख्य दरवाज़ा है उसमें अंदर की तरफ बीचों बीच में ऊपर आपको बांधना है। और जब आप इसको बांधते हैं तो बांधते समय भी आपको 11 दफ़े इस मंत्र को बोलना है। और एवरीडे सवेरे जब भी आप दिया बत्ती करें इसमें अगरबत्ती एक घुमा दें, अगरबत्ती का धूप दीप इसमें कर दें, आप देखेंगे कि आपके घर में पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। और इस तरीके से आएगा कि फिर कभी भी आपके घर से पैसा जाएगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, हमेशा वो पैसा बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपके पास में पैसों की कमी है तो बहुत ही आसान उपाय है, छोटा सा उपाय है, कोई तंत्र मंत्र विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, बड़े ही आराम से कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है और अपने पैसों की तकलीफ को दूर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।